हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फारूक अहमद इन्फॉर्मर। दोस्तों, बिहार जल जीवन हरियाली मिशंस वैकेंसी आ चुकी है। आप यहां पद देख सकते हैं, क्या क्या पद है। अकाउंटेंट्स है, मैनेजर है, पीए है, ऑफिस असिस्टेंट है। योग्यता इसमें दिया है, यूएनपीजी अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 30 सितंबर है और आप कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं, वीडियो में बनी रहिए और मैं साइट को ओपन करता हूं, आपको दिखाता हूं उसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो चलिए मैं साइट को अभी ओपन करता हूं। दोस्तों, यूजी ओपन कर लिया हूं, आप यहां पर देख सकते हैं ऑलरेडी यहां पर लिखा है जल जीवन हरियाली मिशंस और यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन अप्लाई 10 सितंबर से स्टार्ट हो गई है और क्लोजिंग डेट इसका 30 सितंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब कैसे आपको क्या क्या लगेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर वैलिड ईमेल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी, रिसेंट पासपोर्ट, कलर फोटोग्राफ, जो यहाँ पे लिखा है नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स, कहने का मतलब है 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो। और रही बात यहाँ पे थर्ड नंबर पर लिखा है, यहाँ पर देखिए इसके सिग्नेचर, अपडेट, रिज्यूम, ये सब आपका डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। और आपका नीचे में देखिए यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जनरल, URL, BC, EBC, ST, SC, EWC, PWC, PWD, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है हाउ टू अप्लाई, इसमें क्या इसका प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है। ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दिया है, आप उसको मैं बता चुका हूँ। तो नीचे में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या आया है। यहाँ पे आ चुका है, आप देखिए यहाँ पे जॉब ओपनिंग में क्या क्या यहाँ पे लिखा है, नंबर सीरियल नंबर लिखा है और जॉब टाइटल लिखा है, नंबर वैकेंसी लिखा है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लिखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है और यहाँ पे सैलरी लिखा है। आपको यहाँ पे सैलरी लिखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर कितना है, यहाँ पे दिया 1 लिखा है, यहाँ पे 1, 2 कम से कम यहाँ पे 17 है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है सीरियल नंबर, यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 तक सीरियल नंबर। यहाँ पे ऑल टाइप का जॉब लिखा है, इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं स्टेट मिशन मैनेजर को ओपन करता हूँ और फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं आगे का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक होने के बाद से आप देख सकते हैं साइड ऐसा खुल के ओपन होने के बाद से यहाँ पर लिखा है, देखिए पोजीशन अप्लाई फॉर, क्या पोजीशन पे अप्लाई करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप हो चुका है, उसके बाद से अप्लाइंग आस उसको क्लिक करके फिल करना है। उसके बाद से चूज योर क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस, आपका क्वालिफिकेशन क्या है उसका चूज़ करना है। उसके बाद से यहाँ पे अपना लिखना है, फुल नेम निकला है, उसके बाद से यहाँ पर आपका ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पे फिलअप करने के बाद से आपका मोबाइल नंबर फिलअप करना है, आपका डेट ऑफ फिलअप करना है, यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करना है, यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसा पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसका बिटवीन 8 to 25 कैरेक्टर्स होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताना रहा हूँ। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ इन्फॉर्मर और 1 to 8 यहाँ पे होना चाहिए कोई भी कैरेक्टर। उसके बाद से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद से आपको यहाँ पे आना है नीचे, नीचे आने के बाद से आप यहाँ पर साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करने के बाद से आपको फॉर्म फिलअप हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है नीचे में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ उसमें क्या क्या लिखा है। देख सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही दिया है कि आप जब भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा वो 30 मिनट का अंदर फिलअप करना है, नहीं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन लूज हो सकता है। लूज होने के बाद से फिर आपको फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका दिया है लिंक टू एडवर्टाइजमेंट, ओपन करने के बाद से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद से उसमें क्या क्या प्रोसेस दिया आप वहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए नीचे में आपको मैं बता रहा हूँ
यहाँ पे क्या, ये देखिए, ये फिर मैं ऑलरेडी बता चुका था, फिर भी यहाँ पे ऑलरेडी वंस मोर एक दे दिया है। यहाँ पर स्कैन कलर फोटो आपका मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए, उसके बाद से सिग्नेचर आपका 50 KB का होना चाहिए, 50 KB का होना चाहिए। आप सिग्नेचर कर लीजिए, उसके बाद से आप स्कैन करके अपलोड कीजिए, उसके बाद से अपडेट रिज्यूम होना चाहिए, उसके बाद से स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद से यहाँ पर लिखा है NGO सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद से यहाँ पर लिखा है यहाँ पर 150 KB का होना चाहिए, वहाँ पर लिखा है कॉलेज मार्कशीट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी मार्कशीट होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है, सब देख सकते हैं यहाँ पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस लिंक के थ्रू आप जाइएगा और वहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो